नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपके जीवन में कहीं से कोई परेशानी आ जाती है, कभी कोई बीमारी भी आ जाती है। इन सभी तकलीफों का, परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों लोगों की जिंदगी में पैसों के लिए इतनी परेशानियां रहती हैं? मेहनत करने के बाद में भी, प्रयास करने के बाद में भी कई लोगों के जीवन में पैसों को लेकर के समस्याएं देखी जाती हैं। इसकी सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या है? वैसे तो काफी सारी बातें हैं, पर सबसे बड़ा कारण ये है कि दोस्तों, आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपको अपने जीवन में बहुत ही घाटे वाली साबित होती हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप काफी चीजों से परेशान हैं, तो आप बस इस उपाय को करिए, आपके काम चुटकियों में बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिख दीजिएगा, जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, जब आपका भाग्य साथ ना दे, कोई आपका काम ना बने, नौकरी नहीं लगे, व्यापार नहीं चले, हालांकि दोस्तों परेशानियां इस तरह की हैं कि आपके व्यापार में, करियर में, पारिवारिक जीवन में भी बहुत दुखद समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है और आपके काम मंदे भी चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मंदे ही चले चले तो सही, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देता। घर में भी दोस्तों किसी की भी स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी हो रही है, विवाद भी आपके जीवन में बहुत घिरता जा रहा है, नौकरी से संबंधित भी परेशानियां आ रही हैं, व्यवसाय संबंधी भी परेशानियां हैं दोस्तों, या फिर स्वास्थ्य संबंधी ही परेशानी हो। अगर आपका दोस्त कोई बीमारी में आपको परेशान हो रहा है तो ये उपाय कारगर है। दोस्तों, आपको ये उपाय करना क्या है? ये उपाय दोस्तों आपको शनिवार के दिन से प्रारंभ करना है और मंगलवार तक करना है, लगातार 4 दिन, शनिवार, इतवार, सोमवार और इतवार, 4 दिन करना है दोस्तों। रात को करना है जब आपका सोने का समय होता है, यानी कि आप जिस भी समय सोते हो दोस्तों, उस समय आपको ये उपाय करना है। जब आप सारे काम से फ्री हो जाए उसके उपरांत आपको ये खास उपाय करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको क्या करना है। आपको बिस्तर पर बैठ जाना है दोस्तों। यदि आपका कुछ और भी कार्य है तो दोस्तों आप लेट जाइए। एक मुट्ठी दोस्तों आपको काले तिल लेने होंगे, अपने सीधे हाथ में एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं। और उसके उपरांत दोस्तों, ये कार्य आप अपने लिए स्वयं भी कर सकते हैं, या घर का कोई भी सदस्य किसी के लिए भी कर सकता है, सबके लिए चाहे तो सबके लिए भी कर सकते हैं कि ग्रह उतरे, कोई भी अला बला है, कोई नजर है, कोई दोष है दोस्तों, कोई कार्य नहीं बन रहा है, आप भी ये उपाय कर सकते हैं। हर किसी के लिए आपको अलग एक मुट्ठी में ऐसे तिल लेकर के किया जा सकता है। आप बैठ जाइए पलंग पे दोस्तों। आपको अपने सर को ढक लेना है, पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। कुछ दोस्तों ये खास उपाय है जो आपको साफ सुथरे निवस्त्र पहनकर निर्वत्य होकर के ये शांत अवस्था में ये उपाय करना है। सिर ढक लो, पैरों में आपके चप्पल नहीं होनी चाहिए। एक मुट्ठी तिल लेकर पैरों से लेकर सिर की तरफ आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार देना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको उतार देना है दोस्तों। जिस व्यक्ति के ऊपर से ये तिल उपाए जाते हैं, उसकी सारी समस्याएं, सारी तकलीफें आपको पता होती हैं। उन समस्याओं का आप मन ही मन स्मरण करिए, और जो तिल आपने मुट्ठी में लिए हैं उसको भी आप घड़ी की दिशा में घुमाते रहिए। और दोस्तों, 7 बार आपको घड़ी की विपरीत दिशा में ये काम करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि ये आपको बिना देखे हाथों में तिल लेकर अपने पीछे फेंक देना है। ये आपकी राशि के सारे दोषों को खत्म कर देगा। उसके बाद में दोस्तों आपको बिल्कुल भी ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना है, और ना ही कुछ खाना पीना है। दोस्तों, आपने मान लीजिए अगर 9 बजे ये किया है, शनिवार की रात को 9 बजे, इतवार की रात की 9 बजे, सोमवार, मंगल,
ये आपको चारों दिन करना है दोस्तों, सिर्फ 4 दिन का ये खास उपाय है। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका जो काम नहीं बन रहा होगा उसको बनाने का ये कार्य करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि चुपचाप आपको एक नियम जो हमने आपको बताया रात के समय में, ये नियम आपको करना है, काफ़ी खास रहेगा। अगर दोस्तों कोई करने वाला नहीं है तो इस कार्य को आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में काले तिल नहीं है, नहीं मिले, तो दोस्तों जब भी आपके पास में काले तिल उपलब्ध हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों आप शनिवार से लेकिन शुरू करिएगा, शनिवार से शुरू करना है और मंगलवार तक करना है। एक मुट्ठी तिल का उपाय है। जब कोई काम नहीं बन रहा हो तो इसे ज़रूर करो। इसमें दोस्तों कोई भी नुकसान नहीं है, कहीं से कहीं भी किसी भी उपाय से किसी का भी कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये ज्योतिषी है दोस्तों और दिव्य उपाय होते हैं, सात्विक उपाय होते हैं, इनसे आपका सिर्फ भला ही होगा, आज हो या फिर कल हो, लेकिन होगा भला ही। इतना मन में आप विश्वास रख कर करें। जो पूरा तरीका बताया है वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बहुत ही नियमबद्ध तरीके से इस उपाय को करना है। जो चीज़ बताई गई है वो आपको सीधे हाथ की मुट्ठी में तिल ले लेने हैं, पैर से लेकर सिर तक पूरा उतार लेना है, घड़ी की उल्टी दिशा में उतारिएगा, एंटी क्लॉक वाइज उतारिएगा, उसके बाद में उसको आपको पीछे को बिना मुड़े फेंक देना है। इतना साधारण ये उपाय है दोस्तों, लेकिन इतना ज़बरदस्त कारगर है कि आप देखेंगे कि आपको ये उपाय पहले क्यों नहीं पता था। तो दोस्तों इसे ज़रूर करिएगा और अपने सारे काम बना लीजिए, दुविधाएं परेशानियां सबको दूर कर दीजिए और अपने दिमाग से आप इस परेशानी को बिल्कुल निकाल दीजिए कि अब आप और भी ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक स्थितियाँ उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपका जीवन काल बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। मात्र ये साधारण सा उपाय कर लीजिए दोस्तों, आपको जरूरी लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी और आप हमेशा हमारा धन्यवाद करेंगे कि इस उपाय मात्र से आपका जीवन किस प्रकार से बदल गया है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, वो सब वक्त रहते कहाँ गायब हो जाएंगी, इस बात को आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होगा। और दोस्तों आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक मौका है कि पितृपक्ष चल रहा है, इस समय आप इस उपाय को करिएगा। बहुत ही खास, बहुत ही अचूक उपाय है जो हमारे गुरुजी के द्वारा बताया गया है, हमने इसे आपके साथ साझा किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन जरूर होगा।